हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूमॉक्स प्लस कैप्सूल के बारे में, जो कि इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है या कौन कौन से रोगों में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मल्टीपल पर्पजों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं ब्लूमॉक्स प्लस कैप्सूल के बारे में, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है और यह कौन कौन से रोगों में फायदेमंद है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किसे नहीं लेना है, क्या डोज है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं ब्लूमॉक्स कैप्सूल, जो कि ब्लू क्रॉस कंपनी की नई मेडिसिन है। 10 कैप्सूल की पैकिंग होती है और 55 रुपए की प्राइस में बहुत ही आसानी से यह अवेलेबल हो जाता है। यह हमने बेसिक डिटेल के बारे में जाना ब्लूमॉक्स प्लस कैप्सूल के बारे में। अब बात करते हैं ब्लूमॉक्स कैप्सूल में क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो इसमें दो तरह के काफी अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन है, एमोक्सिसिलिन 250 mg और क्लोक्सासिलिन 250 mg, जो की एमोक्सिसिलिन एक तरह का पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो की निमोनिया और भी बहुत से पर्पजों में इस्तेमाल किया जाता है, और क्लोक्सासिलिन जो की एक तरह का सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, जो की क्लोक्सासिलिन और एमोक्सिसिलिन मिलकर जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है बॉडी में उनको खत्म करने का, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन का इस्तेमाल कौन कौन से रोगों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सांस लेने में दिक्कत होना, कफ का प्रॉब्लम होना, काली खांसी जैसे पर्पजों में इसे इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोंकाइटिस को दूर करता है। इसके अलावा इसे डेंटल पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है, दांतों का टूटना या जख्म होना या मसूड़ों से जुड़ी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उन सभी पर्पजों में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ यह प्रोस्थेटिक जॉइंट्स इन्फेक्शन के पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है, लाइम डिसीज में इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यह सेवरल इन्फेक्शनों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कान से, नाक से और गले से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, जो भी इन्फेक्शन होता है उनको खत्म करने का काम करता है। टॉन्सिल्स के पर्पज में भी काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ यह स्किन इन्फेक्शन में भी काफी फायदेमंद होता है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जेनिटोरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उन सभी कंडीशनों में इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह इन सभी पर्पजों में एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन का इस्तेमाल करते हैं, यह इनके फायदे हैं। बात करें डोज क्या है, तो डोज आपकी डिपेंड करती है कि आप इसे कौन से कंडीशन में या किस पर्पज में लेना चाहते हैं और आपकी वो कंडीशन किस स्टेज पे है, इन सभी पे डिपेंड करता है कि आपकी डोज क्या है। तो आप इसकी डोज डॉक्टर की रेख देख में ही तय करें और इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल डॉक्टर की रेख देख में ही करें। नॉर्मली इसे दिन में 1 से 2 बार दिया जाता है खाना खाने के बाद, और यह मेडिसिन अकेले नहीं चलती है, यह मेडिसिन और भी आपकी जो प्रॉब्लम होती है उनको खत्म करने के तौर पर बहुत जल्दी रिफॉर्म करने में मदद करता है यह मेडिसिन। इसके अलावा बात करें क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो इसका किसी भी तरह कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो नॉर्मल स्टेज पे वॉमिटिंग, सर में दर्द, लूज मोशन, बेचैनी, घबराहट, इस तरह की साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। किसे नहीं लेना है, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मेडिसिन कंडीशन में आपको कोई मेडिकल कोर्स चल रहा है, मेडिसिन कोर्स चल रहा है, तो उन सभी कंडीशनों में आप डॉक्टर या फार्मेसिस्ट से जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो यही था ब्लूमॉक्स प्लस कैप्सूल के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।